ये जो आपके एग्जाम्पल्स है वो कौन से बेस के ऊपर है? सहज फॉर्म ITR 1 कब भरना है उसके बेस के ऊपर है ये। आपको एक एग्जाम्पल लगता है लेकिन आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। हेमंत शाह रेसिडेंट इन इंडिया इज एम्प्लॉयड विद ABC प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज PQR प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग ईयर 2018-19। उसने सैलरी रिसीव की है ABC प्राइवेट लिमिटेड से 2,76,000 एंड 4,10,000 PQR लिमिटेड से। अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम, दूसरी कोई इनकम उसकी है नहीं। ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज इनकम रिटर्न ऑफ इनकम इन सहज फॉर्म। वो चाहता है कि उसके यही इसी तरह से अपने रिटर्न फाइल करे अपने सहज में। हाउएवर उसके दोस्त ने उसको एडवाइस दी कि तुम ITR 2 के लिए एलिजिबल हो, ITR 1 के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक से ज्यादा कंपनीज है इसलिए। तो एडवाइस करो उसको कि वो सही है कि गलत है। तो हेमंत शाह पहले तो क्या है, वो रेसिडेंट इन इंडिया है, पहली कंडीशन तो हो गई रेसिडेंट इन इंडिया। अब जो रेसिडेंट है अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट वही सहज फॉर्म 1 भर सकते हैं, यानी ITR 1 भर सकते हैं, जिसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए 50 लाख से कम, 50 लाख या तो उससे कम होनी चाहिए। और साथ में जो इनकम आए वो इनकम किस में से आनी चाहिए, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 3 में से कोई भी एक जगह से इनकम आनी चाहिए। सैलरी में ऐसा नहीं लिखा है कि एक जगह से सैलरी आनी चाहिए, टोटल सैलरी 50 लाख या तो उससे कम होनी चाहिए। और साथ में फर्दर इन केस इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक स्पाउस माइनर चाइल्ड, वो सभी क्लब होने के बाद 50 लाख से उसकी इनकम भरनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ITR 2 कब यूज किया जा सकता है, ओनली इफ इनकम बीइंग क्लब फॉल्स इन द अबव इनकम कैटेगरीज। सिंस हेमंत शाह इज हैविंग ओनली सैलरी इनकम, सिर्फ सैलरी इनकम है, ऊपर तीन तरह की इनकम हो रही तुम्हारे पास, तीन तरह की इनकम, कोई एक नहीं, तीन तरह की इनकम अगर हो तो तुम ITR 2 भरोगे। या तो सिर्फ एक ही इनकम है उसको सैलरी के अलावा दूसरी कोई इनकम है नहीं, तो वो ITR 2 के लिए एलिजिबल नहीं, ITR 1 के लिए एलिजिबल, क्योंकि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वापस रिपीट करता हूँ, पहली कंडीशन क्या, वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, नॉट बीइंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट। एंड दूसरी बात, उसकी इनकम 50 लाख या तो उससे कम होनी चाहिए। तीसरी बात, उसकी इनकम या तो सैलरी या तो पेंशन से, एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर इनकम में से, राइट। और उसकी जितनी भी स्पाउस या तो बच्चों की इनकम है वो सब भी उसके साथ में क्लब होने के बाद 50 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो अपने ऐसा मानेंगे कि ITR 1 यानी सहज फॉर्म को भर सकता है, तो यहाँ भी ये एप्लीकेबल है। ओके, बस वही आपको जज करना है कि ये कौन सा फॉर्म भर पाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 मुकेश प्रजापति हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी 9,40,000, लॉस कितना है 1,20,250 फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। कहाँ से आता है ये पैसा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज रिटर्न, आता नहीं जाता ये पैसा, लॉस है इसलिए। ही वॉन्ट्स टू रिटर्न हिज फाइल, ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन सर्च फॉर्म, यानी ITR 1 के अंदर फाइल करना चाहता है, लेकिन उसका फ्रेंड केयूर परेक जो पारेक जो अकाउंटेंट है उसको एडवाइस करता है कि फॉर्म नंबर 2 भरो, क्योंकि उसके पास हाउस प्रॉपर्टी से होने वाला लॉस भी है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए अपने को उसको एडवाइस देनी है, राइट। अब देखो क्या लिखा गया है, मुकेश प्रजापति वो रेसिडेंट है इंडिया में, ITR 1 इज टू बी यूज बाई इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड उसकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए 50 लाख है तो उससे कम, पहले सारी कंडीशन ऐसे लिखते थे, और उसमें तीनों दिन हेड लिख दो। फर्दर सबकी इनकम मिला के, यानी स्पाउस माइनर चाइल्ड सबकी इनकम मिला के टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, ये 50 लाख होनी चाहिए, यानी सबको मिला के स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड को मिला के तुम्हारी इनकम होनी चाहिए। इज टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ SSC। ITR 2 कैन बी यूज ओनली इफ इनकम बीइंग क्लब
फॉल्स इन द अबव इनकम कैटेगरी। अब उसकी इनकम कितनी है देखो, 9,40,000 उसकी इनकम है, लॉस है कितना है लॉस तुम्हारा 1,20,250। लेकिन किसमें से, ओनली वन अकाउंट, एक हाउस प्रॉपर्टी में से, राइट। और ये इनकम का मतलब कभी ये नहीं होता कि पॉजिटिवली होनी चाहिए, इनकम माइनस में भी जा सकती है, जिसको अपने लॉस बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हाउस प्रॉपर्टीज में ऐसे मिलने वाले इनकम अगर माइनस में चली जाए तो एलिजिबल नहीं है, नहीं वो एलिजिबल है, पर एक घर में से इनकम आनी चाहिए, एक से ज्यादा अगर उसके पास मकान हो तो उसमें से अगर इनकम आती तो आईटीआर वन नहीं भर पाती, राइट। तो यहाँ पे आईटीआर वन बनने की उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो कि उसकी इनकम 50,00,000 से कम है, वो इंडिया में रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो नहीं चलेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा उसकी इनकम 50,00,000 या तो उससे कम होनी चाहिए सब मिला के, यानी माइनर और बीवी की इनकम सब मिला के। तीसरा इनकम या तो सैलरी पेंशन में से मिले या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर सोर्सेज में से, राइट। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आईटीआर वन कर सकता है। सबसे मैक्सिमम कंडीशन किस में, आईटीआर वन में। अब आगे देखें, हाँ एक और चीज है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड होता तो कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, आईटीआर वन की कहाँ बात करो, आईटीआर टू भी नहीं फाइल कर सकते, समझे। पर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं, यानी पिछले साल का लॉस नहीं, इसी साल का लॉस, इसी साल का लॉस अगर अपने क्लेम करना होने तो, मैं बराबर से आपको इसको क्लियर अभी बता देता हूँ। कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरा लॉस है पिछले साल और मैं अगर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता तो मैं सर्च फॉर्म भर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा लॉस है पिछले साल का और उसको मैं ये साल कैरी फॉरवर्ड करके मेरी इनकम को डाउन करना चाहता हूँ, लेस करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च फॉर्म नहीं भर सकता। यानी अगर मैं कोई भी क्लेम चाहता हूँ इनकम का, या तो रिबेट मांगता हूँ मैं, या फिर डिस्काउंट मांगता हूँ, या टैक्स रिलीफ मांगता हूँ, या तो लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसको माइनस करवाना मांगता हूँ, मैं मांगू तो अगर मेरे पास ये सारी चीजें है अवेलेबल और अगर मैं उसको क्लेम नहीं करता हूँ, यानी मेरा क्लेम मैं छोड़ देता हूँ, तो मुझे सहज फॉर्म भरने देंगे वो लोग। क्लेम छोड़ दो यानी तुम दावा नहीं करते उस बात का कि मुझे ये सारी इनकम को माइनस करवाना है, लॉस को माइनस करवाना है, तो तुम क्या करोगे, अगर दावा नहीं करोगे तो सहज फॉर्म भर सकते हो, लेकिन दावा करते अगर आप मुझे सारे जो भी एक्सपेंस है वो माइनस करने दो तो उस वक्त तुम सहज फॉर्म नहीं भर सकते, राइट। अब फॉर द ईयर 2018-19 राजेश राजपूत इनकम सैलरी की कितनी है, 6,80,000 और लॉस एक हाउस प्रॉपर्टी का 1,45,000 आगे लिखा है। देखो तुम अगर देखोगे तो उसके अंदर लिखा है क्लियरली कि ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, राइट ना। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, राइट, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का ये ब्रॉड फॉरवर्ड। अब अपार्ट फ्रॉम सैलरी ही इज आल्सो हैविंग इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एफडी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सियाजीगंज ऑफ 60,000। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। ही वॉन्ट्स टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन सर्च फॉर्म आईटीआर 1। हाउएवर हिज फ्रेंड राजीव शर्मा, ये आया बदमाश राजीव शर्मा हु इज टैक्स कंसल्टेंट, वो इसको एडवाइस दे रहा है कि नहीं भाई तू आईटीआर 2 फाइल कर, क्योंकि यहाँ पे उसकी इनकम जो है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी अपने देखनी है। देखो पहले तो सारी कंडीशन लिख दो जो है वो। अब यहाँ पे सिंस राजेश राजपूत हैविंग सैलरी इनकम ऑफ 6,80,000 बट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर 2018-19 तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या आईटीआर 2 फाइल कर सकता है, क्योंकि उसमें लॉस को कैरी फॉरवर्ड को माइनस करवाने की परमिशन है, आईटीआर 1 में नहीं है, राइट। आईटीआर 1 क्यों लोगों को अच्छा लगता है पता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम है, कोई प्रूफ नहीं देना है, सीधा तुम रिटर्न फाइल करके छूट जाओ, किसी भी बात का प्रूफ नहीं देना है, राइट। पर इसमें पीजीबीपी नहीं आता, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि उसमें क्या आपको सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं, जैसे आपका बैंक का स्टेटमेंट आपको रखना पड़े, आपकी एफडी है तो एफडी की कॉपीज रखनी पड़े, अगर आप ये सारी इनकम के जितने भी सोर्स है ना अदर इनकम के, वो सब उसके अंदर रखने पड़े,
कब, जब प्रॉफिट एंड गेंस में बिजनेस एंड प्रॉफिट स्टॉक वगैरह सब पूरा रखना पड़ा, जबकि उसमें आईटीआर वन में क्या है सीधा रिटर्न फाइल किया और भूल जाओ। आपको पीएनएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट है ना उसको भी आपको ऑनलाइन तैयार तो कर देना है, लेकिन उसको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सबमिट तो खाली एक पेपर है होगा, जो आईटीआर फाइव का फॉर्म होता है ना वही खाली, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सब बैठ बैठ के मैंने सीखा है, जब जीएसटी आया था ना उससे पहले मैंने ये सीखा था, सर्विस टैक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी वो सब पता था, ये हमारे टाइम पे भी वो सब आता था, पर सबसे ज्यादा मुझे ये सीखना पड़ा कि आईटीआर कब कैसे फाइल करते हैं। सवाल आता है कि आईटीआर वन में सहज फॉर्म मैंने फाइल तो कर दिया, उसके बाद में अगर मैं पकड़ा गया तो यहाँ पे पकड़ा जाने के चांस कब है? 12 साल तक आपको है ना अपने सारे फिजिकल रिकॉर्ड रखने पड़ते, 8 साल तक फिजिकल रिकॉर्ड और 12 साल तक आपको सॉफ्ट कॉपी रखनी पड़े। मतलब मैं अगर आज मैं यहाँ पे आज कौन सा 1920 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब स्क्रूटिनी करेगा ना मुझे इंक्वायरी में बुलाएगा, तो मुझे सिर्फ 1920 नहीं उसके पहले के 8 साल के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, 8 साल के फिजिकल डॉक्यूमेंट, और उसके पहले के 4 साल है ना उसके फिजिकल नहीं सॉफ्ट कॉपी यानी ईमेल के अंदर लिखा हुआ, ये कंपल्सरी है, यानी आप पे इंक्वायरी कभी भी आ सकती है। तो सहज फॉर्म भर देना आसान है, लेकिन सहज फॉर्म के बाद क्या, अगर एक बार भर तो दिया लेकिन उसके बाद में इंक्वायरी है तो क्या करेंगे, ये सबके लिए भी तैयारी रखो। आप देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, फॉर द ईयर 2018-19 करंट कोटक इज हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ रुपीज 10 लाख, ही इज हैविंग इज आल्सो हैविंग ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अर्ली इयर्स, करंट आल्सो ऑन रेंटल इनकम 3 लाख पर एनम फ्रॉम 3 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज इन वडोदरा, ही वॉन्ट्स टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम इन सर्च फॉर्म फॉर्म नंबर आईटीआर 1। However, his friend Nirav Parekh, who is a registered TRP tax return professional, advised him to file the form return in form number ITR2 since he is having brought forward loss. यानी उसने बोला कि brought forward loss है ना, तो अब यहाँ पे लिखा है देखो करण कोटक resident है, बाकी सारी condition तो जैसे लिखते हैं वैसे, अब यहाँ पे साबित करेंगे ये paragraph से since से. Since current Kotak is having salary income of 10 lakh, but there is existence of loss from house property which is brought forward from preceding year, तो यहाँ पे ITR 2 file कर सकता है, ITR 1 नहीं। Brought forward loss हो तो समझ लेना, यहाँ लिखा नहीं है, bracket में लिखा होता नहीं, does not want to claim, अगर वो claim करना नहीं चाहता है, तो ITR 1 भर सकता है, लेकिन अगर वो claim करना चाहे, या तो लिखा ना हो सम के अंदर, तो समझ लेने का उसको ITR 2 भर। सचिन रावल इज एम्प्लॉयड विद के क्यू एस प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, के क्यू एस प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 ही हैज रिसीव्ड सैलरी फ्रॉम के क्यू एस प्राइवेट लिमिटेड 10,74,000. During the year, he sold some gold on which he made a capital gain of 1,05,200. Capital gain kiya hai. He wants to file his return in the, ab ITR 2 aa gaya. One nahi, ITR 2. However, his friend Rohit Mehta, jo accountant hai, wo usko bolta hai ki ITR 4 karo. Because uske paas capital income hai, usko advice de rahi hai. Ab yahan pe pehli baat ko, ye private limited company hai. Ye kya hai private limited company? So this return form is to be used by an individual or Hindu undivided family. ITR 2 की बात करें तो Hindu undivided family या तो individual दो में से कोई एक होने तो ही आप भर सकते हैं। और जो eligible नहीं है ITR 1 के अंदर वो जिसकी income कैसी किस में आती है याद रखो, who is not having any business income under profit and gains from business and profession, मतलब PGBP के अलावा किसी भी तरह से income आती हो तो ITR 2 के लिए तुम eligible हो, पीजीबीपी हो नहीं तो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या कर रहा है, सैलरी इनकम रिसीव कर रहा है, राइट, सचिन रावल इज हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड कैपिटल गेन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2018-19, लुकिंग एट द इनकम ऑफ सचिन ही कैन यूज ITR 2 फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एज ITR 4 इज यूज्ड बाय टैक्सपेयर हु वांट्स टू डिक्लेयर हिज इनकम
ऑफ प्रिजम्प्टिव बेसिस। मैंने कल प्रिजम्प्टिव बेसिस में कौन कौन से सेक्शन समझाए थे, 44, 44 ए बी, 44 ए डी ए, 44 ए डी और 44 ए डी ए और इसके बाद में 44 ए ई, चार अलग अलग सेक्शन समझाए थे। उसमें से पहला सेक्शन बोलता जा रहा हूँ, ध्यान देना, पहला सेक्शन ये है कि 2 करोड़ से कम अगर टर्नओवर हो ने ए बी, 2 करोड़ से अगर कम टर्नओवर हो एक साल के अंदर, तो उसके बाद में ए डी ए और ए डी, पहले ए डी और उसके बाद में ए डी ए, एक गुड्स के लिए और एक सर्विस के लिए, और लास्ट में जो ए ही है ना वो कैरेज के लिए, कैरेज बिजनेस जो चला था उन्हें, उसके पास 10 से कम कैरेज व्हीकल होने चाहिए, कितने, 10 से कम कैरेज व्हीकल होने चाहिए। तो देखो मैं पहले आपको बता दूं, वापिस एक बार रिकैप करवा लेता हूं। पहले 44 एडी आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ से कम, ग्रॉस टर्नओवर, इनकम नहीं, ग्रॉस टर्नओवर, सेल्स सब मिला के, सब मिला के सेल्स कितना होना चाहिए, 2 करोड़ से कम होना चाहिए। 44 एई के अंदर आपके पास गुड्स कैरेज व्हीकल होनी चाहिए, गुड्स कैरेज, पैसेंजर नहीं, गुड्स कैरेज व्हीकल होने चाहिए, और वो भी 10 से कम अप टू लिखा, यानी मतलब 10 भी चलेंगे। और इसके बाद में आप अगर प्रोफेशन में हो, इसमें अगर आप प्रोफेशन में हो तो ए डी ए लागू होता है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर अगर आप प्रोफेशन में बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर आएगा क्या, 2 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन अगर आप प्रोफेशन करते हो तो टर्नओवर आएगा 50 लाख। ये एमसीक्यू के लिए आता है सब। ए डी पहला है, ए बी अपने एलिजिबल नहीं है इसके अंदर, मैं ए डी से शुरू करता हूँ। ए डी यानी आपको आईटीआर 4 कब भरना है, जब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो और आप प्रिजम्प्टिव बेसिस के ऊपर इनकम टैक्सेबल बना। प्रिजम्प्टिव का मतलब क्या, प्रिजम्प्टिव का मतलब क्या, मैं खाली लमसम अमाउंट बोल देता हूँ कि मेरा टर्नओवर इतना है, यानी मैं 2 करोड़ से कम के अंदर आता हूँ, मतलब मेरा अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का है तो मुझे कितना भरना है टैक्स, पता है आपको, 8% या 6%, ये भी डिसाइडेड है। 8% का ध्यान देना, 8% का अगर मैं कैश में ट्रांजेक्शन करता हूँ तो 8%, लेकिन अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन अगर चेक से करता हूँ तो 6% टैक्स भरना, टर्नओवर का 6%, फिर सब भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं भरने का। अगर मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर है तो 6% टैक्स भर दो, मतलब 6 लाख। अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखने जाओ ना, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो तो लाखों में आएगा, लेकिन अगर आपका 2 करोड़ से कम का टर्नओवर हो ना, तो हम इस तरह से प्रिजम्प्टिव बेस के ऊपर कर सकते हो। प्रोफेशन हो यानी सर्विस प्रोवाइड करते हो अगर आप, तो 50 लाख से कम टर्नओवर, इसको प्रिजम्प्टिव बेसिस बोला जाता है, राइट। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपका टर्नओवर 50 लाख से कम का है सर्विस के अंदर, तो अगर आपने 40 लाख की सर्विस प्रोवाइड की, कितनी, 40 लाख से कम की अगर सर्विस अगर आपने प्रोवाइड की, तो इसके ऊपर 8% या तो 6%, अगर कैश में ट्रांजेक्शन करते हो तो 8%, बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो तो 6%, ये ऐसा होता है। प्रिजम्प्टिव बेसिस ना, केयूर मेहता इज एंगेज इन बिजनेस, देखो आया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका सम आया, सिक्स सम, केयूर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल ट्रेड, इन इज हैविंग टर्नओवर 80 लाख 84,000, बिजनेस है ना 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर, पर आगे देखो उसके बाद में, ही वांट्स to declare the income at the rate of 8% of total turnover by adopting the provision of section 44AD. During the year, he has sold his house property and earned a capital gain 15 lakh. He also won lottery 65,000 during the concerned previous year. He wants to file his return of income in the form number ITR-4. However, his friend Kapil Sharma, who is accountant, advised karte ki ITR-3 mein file karo. बराबर, तो क्योंकि उसके पास दो अलग अलग इनकम, दूसरी भी है कैपिटल गेन की और विनिंग इनकम भी है लॉटरी की, तो अब एप्लीकेबिलिटी अपने इसके अंदर साबित करनी है। देखो पहले तो टीस रिटर्न मतलब ITR-4 की बात करें, जिसका नाम क्या है, सुगम, ITR-1 का नाम सहज, ITR-4 का नाम सुगम। टीस रिटर्न फॉर्म इज टू बी यूज बाय एन इंडिविजुअल और HUF हु इज रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अ फॉर्म अदर देन LLP व्हिच इज अ रेसिडेंट whose total income for the assessment year 2019-20 does not exceed 50 lakh and who has income under the following head.
टोटल इनकम यानी प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो 50 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़। बात समझना, तुम बोलोगे यार अभी तो आपने बोला 2 करोड़ की इनकम, इनकम नहीं 2 करोड़ का टर्नओवर, क्रॉस वो भी सारे एक्सपेंस माइनस करने से पहले, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट बोलते हैं ना क्रॉस प्रॉफिट वैसा, और सब माइनस करने के बाद में कितना हो जाना चाहिए 50 लाख या तो उससे कम, यानी तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए 50 लाख या तो उससे कम, बराबर ने, और ग्रॉस टर्नओवर कितना 2 करोड़। इनकम फ्रॉम बिजनेस वेयर सच इनकम इज कंप्यूटेड ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस अंडर सेक्शन 44AD जिसका ग्रॉस टर्नओवर कितना है अप टू 2 करोड़, और सेक्शन 44AE इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेज अप टू 10 व्हीकल्स, ये हमने आगे भी सीखा, और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जिसमें इनकम कंप्यूट करेंगे। देखो यहाँ ग्रॉस टर्नओवर है 2 करोड़ लिखा है, इनकम 50 लाख होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रॉस रिसीट और इनकम दोनों सेम है, इसकी बात करें अपने प्रोफेशन की उसमें 50 लाख सीधा, और इसकी इनकम सैलरी में से या तो पेंशन में से मिलती हो या फिर उसकी इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी में से या तो अदर सोर्सेज में। केयूर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेल फंड, ही इज हैविंग टर्नओवर ऑफ 80,84,000, ऑल्सो अर्न्स कैपिटल गेन 15 लाख विनिंग फ्रॉम लॉटरी 65,000 ड्यूरिंग 2018-19, ही कैन ओनली यूज ITR 3, क्योंकि ये दो चीजें नहीं होती ना, एक तो कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, चलो विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो चल भी जाए क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी अपने एक्सक्लूड कर सकते हैं, बराबर है, पता है क्यों विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी को अपने कैजुअल इनकम बोलते हैं और TDS इसमें टैक्स कलेक्टेड है, TCS होता है उसका, मतलब जहां से तुमको इनकम मिलती है ना, अगर तुम्हारी इनकम 50,000 से ज्यादा होगी ना तो वो लोग तुमको 30% काट के दे देंगे तुम्हारे हाथ में, 65,000 का, 15,000 का नहीं, 50,000 से ऊपर की इनकम हुई ना तो 65,000 का सीधा 30% कर करके तुम्हारे हाथ, पता है ये लिमिट पहले कितनी थी, 5,000 होगी। मुझे याद इसलिए कि गुजरात समाज में स्टीकर चिपकाने के आते थे, राइट, मैं कॉलेज में था कमाता था, पर तो उस टाइम पे ना वो गुजरात समाज में स्टीकर चिपकाए ने तो उसके बाद में मुझे अकाई की म्यूजिक सिस्टम लगी, बड़ी म्यूजिक सिस्टम, 8,000 की म्यूजिक सिस्टम थी, तो उन्होंने मेरे पास से 8,324 यानी 2,400 रुपये बढ़ाए थे रिसीट भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे 5,000 से ज्यादा था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया 5,000 का 50,000, तो इसी से पता चल जाता है कि रुपये की वैल्यू कितनी कम हो गई, 5,000 का 50,000 करना पड़े तो इसका मतलब करेंसी की वैल्यूएशन कितनी डाउन हो गई, इसी से पता चल जाता, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है कि कैपिटल गेन है ना, इसलिए ITR 3 भर पाएगा, तो सारी कंडीशंस बराबर दिमाग में होनी चाहिए तभी आपको है ना ये चारों चार रिटर्न को ऊपर के समझाएंगे। और एक बात देखें, ये बड़ा समय देखो प्रैक्टिकल कितनी इनकम अपने भरेंगे इसके बारे में, देखो ये जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर, उसके बाद में ये लास्ट में उसका आंसर सब चीजें दे दिए, पूरा रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके ऊपर लिखा है ये, सोल्व आइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना आंसर आ जाएगा, खाली 20% लिखा है उसकी जगह 15% करना पड़ेगा, आंसर सेम आ जाएगा। देखो मैं अभी पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन कितना है और आंसर कितना है, देखो कितनी सब चीजें लिखी हुई है, देखो ध्यान देना, आपका राकेश रमन भाई राठौड़ रेसिडेंट इन इंडिया, डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1986, और पैन नंबर क्या है उसका, AKRPR 4587F, प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस 2018-19, सैलरी इंक्लूड्स 2,400 प्रोफेशनल टैक्स, यानी 2,400 रुपये ऐड किए हुए इसके अंदर, 8,57,400 उसकी सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर यह सेल्फ ऑक्यूपाइड 75,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसमें से 5,000 रुपये जो है ना वो बैंक इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में से, और FD का इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 80,000। अब राकेश रमन भाई राठौर कहाँ रहते हैं, एड्रेस भी दिखा, पता है आपको पूरा रिटर्न फाइल करने की इन्फॉर्मेशन दी थी, पूरा रिटर्न कंप्लीट, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत सारी चीजें काम ही नहीं लगती, रिसाइड यानी 101A कहाँ रहता है, दर्शनम विला कार्यलीबाग बड़ोदरा 3900002, एंड हैविंग मोबाइल नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी
हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, लेकिन एम्प्लॉय का है, खुद का नहीं, टू बी 85,000, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन कितना है 45,000, एबीबी लिमिटेड जो एम्प्लॉयर है राकेश रमन भाई राठौड़ के, उन्होंने टीडीएस काटा हुआ है अपनी सैलरी के अंदर से 60,000, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा उसने सैलरी के अंदर से ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 75,000 था, लेकिन उसने 7,500 टीडीएस काट के आपको पैसे दिए। ही हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा सयाजीगंज ब्रांच, वो भी दे दिया है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, उसका आधार नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है। फिर ही हैज रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अमाउंटिंग टू ₹9,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर राकेश रमन भाई राठौर फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19, विच इज सबमिटेड बाई हिम ऑन जुलाई 20, 2018। कब सबमिट कर रहा है? 20 जुलाई को सबमिट कर रहा है, राइट? आप देखें पूरा रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम मैं आपको बोलता जाऊंगा कौन सी चीज कितनी थी वहां पे। देखो पहले आपने क्या करें, ग्रॉस सैलरी 8,57,400, 8,57,400, सैलरी इनकम होने तो 40,000 रुपए का फिक्स डिडक्शन होता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 40,000 रुपए, और प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया, तुमने नहीं सामने वाले ने पे किया, वो भी माइनस हुआ, एक मिनट, खुद ने पे किया तो माइनस हुआ, सामने वाला पे करेगा तो आएगा नहीं, खुद ने पे किया होगा, यस उसने खुद ने पे किया है, तो यहाँ पे 2,400 माइनस करेंगे तो तुम्हारी नेट सैलरी इनकम आएगी 8,15,000, ये सैलरी की इनकम पूरी हो गई, एक इनकम पूरी हो गई तुम्हारी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एन ए बी तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि खुद की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अपने एन ए बी नहीं लिखते, तो एन ए बी नील, देखा दोनों साल का एक साथ, दोनों सेमिस्टर का एक साथ में एक समय, एन ए बी कितना नील, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगा ही नहीं, 30% जो करते हैं जो ऊपर अमाउंट नील है इसलिए। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑलरेडी दिया है तुमको 75,000, तो 75,000 सीधा तो माइनस में इनकम गई इसकी, राइट? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सेविंग बैंक के ऊपर डिपॉजिट कितनी है 5,000, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है तुम्हारी 75,000, दोनों मिला के 80,000, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो गई 8,20,000। ओके नाउ एटीसी में डिडक्शंस, एटीसी में डिडक्शन, एक तो कंट्रीब्यूशन जो तुमने तुम्हारे एम्प्लॉयज के लिए दिया वो 85,000, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 45,000, ये दोनों को मिला तो 1,30,000 हो गया, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा तुमको 1,50,000 रुपए का, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, पर मैक्सिमम है ना, या तो 1,30,000 उससे कम है तो हमारा डिडक्शन अमाउंट 1,30,000, व्हिचएवर इज लेस, दो में से जो कम होता है ना वो, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, एटीसी में, एटीसी से लेके एटीयू तक का डिडक्शन सब मिला के टोटल कितना होना चाहिए 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना 85,000, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन 45,000, दोनों मिला के 1,30,000 है, 1,30,000 है। अब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 1,50,000, मैक्सिमम 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब दोनों में से व्हिचएवर इज लेस, तो 1,30,000 हो जाएगा। अब ये आता है देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर होने तो माइनस, कितना माइनस पूरा ध्यान दो, अगर 10,000 से ऊपर होता है ना वो इंटरेस्ट, तो वो टीडीएस काट के तुमको दे देंगे पैसा, पर तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना नहीं है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट को ध्यान देना, पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो तुम्हारे अकेले के नाम से है ना, तो जितना इंटरेस्ट मिलेगा ना उस पर 3,500 रुपए माइनस मिलेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के ज्वाइंट अकाउंट से है तो 7,000 रुपए माइनस मिलेगा, राइट? सोचो कितना सब दिमाग में घुमाना पड़ता है, तो एक सम कर सकते हैं, टैक्स ये होता है, बराबर है, टैक्सेशन ये होता है, और ये तुमने सब माइनस किया तो फाइनली तुम्हारा आंसर नेट इनकम आती है 6,85,000। नाउ हम 6,85,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें कि कितना टैक्स भरने का आएगा। देखो पहली बात तो उसकी एज वगैरह लिखी है, तो मतलब वो 60 ईयर्स से नीचे का है, तो उसको कितना, खाली एक चीज अपने को करनी है इसके अंदर, देखो 2,50,000 जो है ना, तो 2,50,000 तक तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, अप टू 2,50,000। अब 2,50,000 से 5,00,000 तक, मतलब 2,50,000 हुआ,
तो 2.5 लाख के ऊपर टैक्स पे करेगा वो कितना, 2,50,000 इंटू 5%, राइट। तो 12,500 रुपए तुमको टैक्स पे करना है। अब ये लिमिट चेंज हो गई है, ये पिछले साल वाली लिमिट है, करंट ईयर की लिमिट कितनी है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 15% टैक्स करना या 20% लिखा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 15%, 15%। कितना होगा, देखो 15% ऑफ 185,000, तो अपने इसको और ये 12,500 को ऐड कर दे तो टोटल टैक्स तुम्हारा आ जाएगा कितना आता है देखो, 40,250, राइट। उसमें 4% तुम्हारा क्या है, हायर एजुकेशन सेस 4%, ये 4% अगर इसका कर दे, अगर 40,250 का तो कितना आता है, 1,610। अब इन दोनों को अपने प्लस करें तो 6,081 और ये 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टीडीएस काटना है आपको, देखो टीडीएस 60,000 एबीबी लिमिटेड ने काटा हुआ है तुम्हारी सैलरी के लिए से, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7,500 जो टीडीएस कटा है ना वो इसमें से माइनस हो जाएगा, जितना टीडीएस कटा है ना वो सब इसमें से डायरेक्टली तुम्हारी टैक्स अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, वो माइनस कर दो, उसके बाद में फाइनल तुमको माइनस में आंसर आता है। देखो 16,020 माइनस में, इसमें मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो एक मिनट, अपने लिए अपने अमाउंट कितना आता है, 67,500, राइट। फोर वन एट सिक्स जीरो माइनस सिक्स सेवन फाइव डबल जीरो, ये बताए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, आप जब रिटर्न फाइल करते हो ना, रिटर्न फाइल करने के 45 डेज के अंदर ये रिटर्न आ जाते हैं, अगर 45 डेज से ज्यादा हो जाता है, वैसे तो 15 दिन की 15 दिन है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है परफेक्टली, पर रिफंड है नहीं, कुछ टाइम के अंदर वापस आ जाता है तुम्हारा अकाउंट में, जिस अकाउंट के अंदर से तुम पेमेंट करते हो उसी अकाउंट से, आधार बेस्ड है ना, इसलिए आधार कार्ड पहले अकाउंट बुक करेगा, जिस अकाउंट को तुमने प्राइमरी अकाउंट बनाया होगा आधार के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा पैसा, राइट। ये पूरी तरह से टैक्स भरने का, मैं वापिस पूरा सब एक बार बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखे, मेन क्वेश्चन को देखो आप, क्या क्या चीज अपने माइनस की, कंप्लीट है ये पूरा सब, सेकंड यूनिट कंप्लीट अगर बोले ना, फर्स्ट सेकंड यूनिट का सब एक साथ में, तो ये सम के अंदर हो गया तुम्हारा। देखो अभी इसमें राकेश रमन भाई राठौड़ बराबर, उसके लिए अपने सैलरी इनकम लिखी 8,57,400 और उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में 75,000, फिर इंकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग 5,000 ऑफ सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा 80,000, फिर राकेश रमन भाई राठौड़ वो कौन सी जगह पे रहते, वो सब लिखा है, वो कहीं काम का नहीं है, लेकिन ये देखो उसने इन्वेस्टमेंट जो किया ना वो 80C से लेके 80U के अंदर माइनस होता है कि नहीं चेक करेंगे, तो कौन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए 85,000 का किया, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन, याद रखना ये डिडक्टेबल अमाउंट होगा सीधा तुम्हारे पास, तुमको खाली याद क्या रखना है कि 1.5 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, बस उससे ज्यादा कोई चीज अपने याद नहीं रखेंगे। यहाँ पे टीडीएस उसकी सैलरी में से कटा है 60,000 जो अपने लास्ट में माइनस किया, राइट, और यहाँ पे टीडीएस उसका इंटरेस्ट के अंदर से कटा है 7,500 वो भी अपने लास्ट में माइनस किया, तो हमने दोनों को लास्ट में सबसे लास्ट में 67,500 को माइनस किया। उसने डिविडेंड भी रिसीव किया है कंपनी के पास से, इंडियन कंपनी, पर आपको बताया ना कि 10 लाख तक का डिविडेंड नॉट टैक्सेबल, अगर 10 लाख से ऊपर होता ना तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखते, अगर ये 10,20,000 होता तो 10,20,000 पूरा है, कितना होना चाहिए 10 लाख लिमिटेड, 10 लाख से अगर नीचे है ना डिविडेंड तो आपको नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इंडियन कंपनी हो तो, फॉरेन कंपनी में तो 1 रुपया भी चार्जेबल टू टैक्स है, राइट। अब इसको अपने यहाँ पे देखा, तो देखो ये क्रॉस सैलरी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा सैलरी में से 40,000 का मिलता है और प्रोफेशनल टैक्स का 2,400, दोनों माइनस करें तो 8,15,000 खाली आपकी सैलरी इनकम आ गई, फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको नील कर दिया आपने, तो सिर्फ डिडक्शन किसका मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी कितना
मैक्सिमम लिमिट कितनी है 2 लाख, पहले 1.5 लाख थी, अभी कितनी हो गई है 2 लाख, 75,000। तो 75,000 अपने माइनस में जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 5,000 और 75,000, तो 80,000 आया। अब एक सवाल, इसमें सेट ऑफ किया है, तुमने देखा ही नहीं, ऊपर सैलरी की इनकम के अंदर से तुमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को सेट ऑफ किया है। देखो, एक इनकम प्लस में है, दूसरी इनकम माइनस में, तुमने सेट ऑफ किया है। तो मैंने बोला था आपको कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बाकी सब में से अलाउड है, लेकिन बाकी सबकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में से अलाउड है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस होता है ना, तो बाकी कोई भी इनकम में से अपने उसको माइनस करवा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पॉजिटिव और बाकी सब इनकम माइनस में हो ना, तो नहीं करा सकते, सिवाय बिजनेस इनकम, जो भी नॉर्मल बिजनेस, एक ही बिजनेस का एक ही बिजनेस अपने एक साथ में नहीं ले सकते, और वह तुम्हारा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, राइट, जो नसीब के ऊपर होता है, वो कैजुअल इनकम जिसको बोलते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000 और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 75,000, दोनों मिला के 80,000, दोनों मिला के 80,000, 8,20,000 तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी। अब जितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो सबका टोटल कर दो, 1,30,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से हमारी लिमिट कितनी है 1,50,000, तो जितना कम होने दो में से वही अपने लिखेंगे, तो 130 अपने माइनस कर दिया, एंड फाइनली जो इंटरेस्ट है वो ADTTA में से माइनस करता है। ये सब भी समझाना, टाइम मिलेगा तो मैं सारे सेक्शन समझाऊंगा इसी बीच, ये वीक के अंदर आने वाले, और GST खत्म होने के बाद ये टाइम मिलेगा। GST अपना मेन है, GST के अंदर है ना, जितना तुम इसको समझोगे ना, उतना तुम्हारे लिए ये आगे काम लगेगा। तो GST हर कोई कैलकुलेट करता है, कंपलसरी ऐसा हो गया। अभी ना एक और चीज करा रहा हूँ इसमें, आगे आप एग्जिट हो जाओ और इसके बाद में वापस ज्वाइन करना, प्लीज।